बैक टू द चैनल। आज हम लोग 12 बजे से ब्लॉग को चालू कर रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग निकल रहे थे थोड़ा इनऑर्बिट मॉल। मुझे एक्चुअली एक विंटर ब्लेजर लेना है अपने लिए, ऑफिस ज़्यादा होगा, कॉर्पोरेट ब्लेजर टाइप का जो सेमी फॉर्मल हो, कैजुअल में भी चले जाए, फॉर्मल्स में भी चले जाए, तो इसीलिए मैं ऐसा एक ब्लेजर खोज रहा हूँ। मैं निकल रहा हूँ अभी इनऑर्बिट मॉल मिस्ट्री के साथ, तो मिस्ट्री ने कहा कि चलो अभी निकल के मैं ऑफिस चले जा रही हूँ, एंड उसका नॉर्मली 5:30 बजे का टाइमिंग रहता है, बट वो अभी जाएगी एंड शी इज प्लानिंग टू कम बैक बाई 8 or 9, सो चलो स्टार्ट। अभी जस्ट हम लोग पहुँचे हैं इनऑर्बिट मॉल हैदराबाद। हाँ, इनऑर्बिट मॉल पर हम लोग अभी जस्ट आए एंड ये लेवल 1 का पार्किंग हम लोग को मिला है। आज हम लोग 8 months हो गया हैदराबाद आए, बट ये फर्स्ट टाइम है हम लोग इनऑर्बिट मॉल आए। हालांकि घर से ज़्यादा दूर नहीं है ना, एकदम पास है, सरस सिटी ऐसे हम लोग को थोड़ा दूर पड़ता है, ये एकदम पास है। तो देखते हैं यहाँ पे वेस्ट साइड या H&M तो पता है मुझे है यहाँ पे, बट अगर वेस्ट साइड मिलता है तो वेस्ट साइड भी एक बार मैं चेकआउट करने वाला हूँ। तो प्रवीर का शॉपिंग हो गया है, उसने एक अभी तो फिलहाल एक नेहरू जैकेट लिया है क्योंकि उसको कुर्ता यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था, तो वो बोला कलकत्ता जाके सबसे पहले वो दुकान में जाएगा, फिर कुर्ता लेगा, फिर वो शादी अटेंड करने जाएगा। तो मैं बोला तुम ही देख लो तुम्हारे पास कितना टाइम बचेगा। तो जो भी उसने नेहरू जैकेट लिया है वो काफ़ी अच्छा, हम लोग लाइफ स्टाइल से लिए हैं, अच्छा ही प्राइस में मिला, मुझे अच्छा लगा। लाइक कितने का था, 2,500 ऐसा कुछ का था, बट वो नेहरू जैकेट अच्छा इसीलिए क्योंकि वो ना किसी भी वेडिंग पर्पस नॉर्मल एथनिक का अगर कुछ प्रोग्राम वोग्राम है, फंक्शन है, तो उस पर पहन के आप जा सकते हो। अभी अंदर रखा मैं, घर जाके अगर होगा ना मैं शेयर, शादी में अगर मेरा टिकट कन्फर्म हो गया, अगर मैं गया शादी में तब तो देखने मिलेगा ही, सो इट वॉज़ गुड। तो अभी फिलहाल हम लोग अभी यहाँ का फूड कोर्ट है, मैं सोची यहाँ से मैं थोड़ा कुछ लंच कर लेती हूँ क्योंकि मैं यहाँ से डायरेक्ट ऑफिस जाऊँगी, क्योंकि मैं सोची फिर घर जाऊँगी, फिर घर जाके रेडी होकर फिर ऑफिस जाऊँगी, तो ऑफिस जाते जाते भी लेट हो जाएगा और वो थोड़ा हेक्टिक भी हो जाएगा। तो मैं सोची इसीलिए मैं ऑफिस के रास्ते से ही जा रही थी, तो मैं इसीलिए सोची एक बार मैं ही निकलती हूँ, लैपटॉप का बैग लेके मैं आई हूँ, मैं ऑफिस जाऊँगी डायरेक्ट यहाँ से, वहाँ पर प्रवीण मुझे ड्रॉप करके वो घर निकल जाएगा, फिर मैं जल्दी ऑफिस से निकल भी जाऊँगी। तो ये मेरे को सही प्लान लगा है ना कि मैं रात को नहीं आऊँगी, मैं 8-9 बजे तक ऑफिस से निकल जाऊँगी क्योंकि मैं काफ़ी जल्दी जा रही हूँ, इस टाइम पे ऑफिस शायद खाली होगा, तो इसलिए सोची कि यहाँ से कुछ थोड़ा कुछ खा लेती हूँ लंच करके, तो एटलीस्ट पेट भरा रहेगा। नहीं, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो वहां पे, क्या कर रहे थे अभी, गेट खोल रहे हो, इसको देखे चुमा हो के वो खोला ट्राई को चेज गेट तक खुले पाली जावे। माही क्या कर रहे हो, कहां जाना है, हाँ कहां जाना है बताओ, क्या कहाँ जाना है, चलो नीचे आओ, चलो माही मत करो कि ना ना कोनो खाओ जो बड़ा फ्रामी खाओ ना, चलो चलो हो गया, बहुत हो गया, चलो आ जाओ नीचे आ जाओ, अब नीचे आ जाओ, टीथ कहाँ है, टीथ ओई माही माही टीथ कहाँ है, टीथ ई कहाँ है टीच। मैं आ चुका हूँ घर अभी। माई का कांड तो आप लोगों ने देखा होगा गेट खोलने का, क्या बेबी क्या क्या चाहिए आपको, हाय रुक जाओ पापा को खाने दो, लव यू करो लव यू करो लव यू कर दो सबको, ऐसे नहीं मा। तो मैं अभी बैठा हूँ लंच पे, मेरे लंच पे आज फिश एंड चावल, ये एकदम पतला झोल वाला फिश है, मम्मी ने बना दिया, मम्मी उधर मम्मी भी खा रही है। मेरा 3:30 बजे से एक कॉल है मेरे मैनेजर के, मैं सोच रहा हूँ कि मैं कैसे ख़त्म करूँ इतना जल्दी जल्दी खाना, सो अभी जस्ट खाना ख़त्म करते हैं एंड मुझे जाना है अपने कॉल पर ज्वाइन करने। वैसे इंटरनल कॉल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक्चुअली ये सारे मैनेजर्स लोग ज्वाइन कर रहे हैं इसीलिए मुझे टाइमली ज्वाइन करना ज़रूरी है ना बेबी,
आया था अभी यहाँ पे एक कुर्ता देखने, मैंने सोचा कि लोकल आउटलेट से कुर्ता एक बार सर्च कर लूँ। मुझे लोकल आउटलेट में बहुत अच्छा कुर्ता मिला, मैंने कुर्ता खरीद लिया है अपने लिए। ये कुर्ता अभी मैंने जो खरीदा, ये एक्चुअली जनवरी में जब शादी होगा ना उस टाइम पे भी वो पर्पज़ सर्व कर देगा, एंड अभी का जो है वो भी फुलफिल हो जाएगा लाइक कविता के शादी का। सो देख रहा हूँ मैं, मुझे दो कुर्ता मिला, एक ब्लैक और एक थोड़ा पैटर्न में है। सो आई जस्ट वेयर दिस एन एल लुक की इस पर लुक कैसा आ रहा है। वैसे ट्रायल रूम में तो मुझे अच्छा ही लगा, तो मैं घर जाके एक बार चेक करता हूँ, मैं दिखाऊँगा कि कुर्ता मैंने कौन सा वाला लिया है। एंड वैसे मुझे ना फील हो रहा है कि ये कुर्ता दो मैंने ले तो लिया है, बट हाँ गड़िया हाट पर अगर मैं सर्च करता ना तो मुझे इस रेंज में मिलता नहीं। मतलब तो वहाँ पे अगर मैरिज पर्पज़ से लिया तो थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, बट फिर भी उस हिसाब से यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या मस्त मस्त कुर्ता का कलेक्शन रखा हुआ है यार इन्होंने। कहाँ जाना है, मम्मा को लाने जाओगे पुट्टू? मम्मा को लाने जाओगे? जाना है मम्मा को लाने? नहीं आना है? नहीं आना है? चलो बाय बाय। हम लोग मिष्टी को लेके अभी घर आए, मिष्टी ऑफिस गई थी, मुझे हम लोग को जाना पड़ा था ऑफिस लाने के लिए, तो मैं मम्मी वही सब गए थे उसको सरप्राइज देने। सो लेके आए घर पे, बाजार वाजार किया, बट द बैड न्यूज इज मेरा कैलकटा जाना हो गया पोस्टपोन क्योंकि मेरा टिकट कंफर्म नहीं हुआ। एंड मैंने बहुत ट्राई किया, वो ब्रोकर को बोल के कि वो तत्काल का टिकट काट दो दोनों ट्रेन में, बट वो नहीं हो पाया। सो वो प्लान कैंसिल। देखो माही पीछे से चिल्ला रहा है, उसको सुलाने लेके गए मिष्टी बट वो सो नहीं रहा, एखनो काटचे देखे जो वो घुमाचे ना। सो मूड ऐसी बहुत अपसेट है। सो अभी चलो डिनर पे बैठे हैं हम लोग, डिनर करते हैं उसके बाद व्लॉग को एंड करेंगे। व्लॉग कल रात को एंड नहीं कर पाए थे क्योंकि मैं चला गया था, सोने में मूड बहुत अपसेट था, टिकट विकेट कैंसिल हो गया मेरा। क्या माही? सो गाइज व्लॉग को, अरे माही गिर जाओगे, व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। माही बाय करो सबको, बाय करो, बाय करो, बाय, लव यू करो, करो फिर से लव यू करो, अच्छे से लव यू करो। तो अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो और मेरा कैलकटा जाना कैंसिल वाला ब्लॉग, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करने वाला हूँ सारा फोटोज मेरी फ्रेंड की शादी का। सो आई होप आपको देख के अच्छा लगे, एंड आई रियली विश देम वेरी बेस्ट इन देयर लाइफ, अपकमिंग मैरिज लाइफ। सो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म, और मिलेंगे कल एक नए एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ, एक सैटरडे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।